नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज देखिए, ये रेलाइट पेट शॉप है जो कि अलीगंज सेक्टर सी में है, अलकापुरी में। और इसका नियरेस्ट लोकेशन जो है वो साइंस सिटी सेंटर जो बना हुआ है लखनऊ में, उसके बगल में। दोस्तों, इनके पास सारे तरीके के पेट्स अवेलेबल हैं। इनके पास कैट्स हैं, डॉग्स हैं, फिश हैं और बर्ड्स हैं, सब तरीके के पेट्स अवेलेबल हैं और काफ़ी कम रेट में हैं। यहाँ पेट्स के लिए मेडिकल ट्रीटमेंट और ग्रूमिंग है, और इसके अलावा सारे तरीके के यहाँ पे फूड्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा यहाँ पे हाउसेज, मतलब पेट्स के हाउस जो यूज़ होते हैं, उनके कपड़े, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं यहाँ पे। देखिए दोस्तों, इनका कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप लोगों को अगर पेट लेना हो तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये देखिए, माय नेम इज लोकेश तनेजा, आई एम द ओनर ऑफ दिस रिलाइट पेट गैलरी। आपके यूट्यूब चैनल लखनऊ गुरुजी के नाम से मैं बहुत स्वागत करता हूँ कि यू हैव चूजन माय शॉप फॉर योर वीडियो यूट्यूब चैनल। तो मैं ऐसा बताता हूँ कि मेरे ये पेट गैलरी में विंटर कलेक्शंस हैं जो डॉग और कैट्स के हैं। इसमें मतलब करीब करीब देखिए, ये हमारे यहाँ कैट के कुछ ये बेड्स हैं, ये स्मॉल कैट्स हैं, ये हट से हट भी बन जाता है और ये एक तरीके से ये इनका बेड भी बन जाता है। ये देखिए, इस तरह का ये बन जाता है। तो इसमें समर्स में इस तरह बैठ जाती हैं और विंटर्स में आप इसको फिर से हट बना सकते हैं। और ये बहुत अच्छे हैं, कलेक्शन मेरे पास आया है विंटर्स का। और भी वैरायटी है इसमें, ये थोड़ी मीडियम कैट्स के लिए है। इसकी प्राइसेस भी मैं बता देता हूँ, ये 1800 की है, थोड़ा आपको डिस्काउंट करके 1500 की पड़ेगी। और दीज आर द डॉग एंड कैट्स पिलोस ये, और ये वाले जो बहुत स्मॉलर किटन्स हैं इसके भी प्राइस हैं 1200 रुपीज़ का है। ये स्पेशली छोटी कैट्स के लिए, इवन रैबिट्स भी आ जाते हैं, कई लोग रैबिट्स के लिए भी लेते हैं। और भी कलेक्शन है, ये बड़े डॉग का हट है, राउंड बेड्स हैं, तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी हमारे स्टोर में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये चीज़ें पसंद आई हैं, इस तरह के बेड्स भी आपको मिल जाएंगे हमारे। हमारी शॉप के अंदर का भी थोड़ा सा व्यू ले लीजिए, मेरी पेट गैलरी है और इसमें मैंने डॉग, कैट्स, इवन बर्ड्स और मैं कई चीज़ों के स्टोर में मेरे पास सामान है, लेकिन मेन फोकस मेरा डॉग और कैट्स का ही है। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, ये हमारे पास डॉग के बिस्किट्स मिल जाएंगे। ये पपी और एडल्ट दोनों डॉग के लिए होता है ये, और इट इज़ ऑफ ये मटन फ्लेवर, चिकन फ्लेवर, कई फ्लेवर्स आते हैं इसमें। और मैं और आपको चीज़ें कॉस्टिंग क्या है? हाँ, कॉस्टिंग ये जो है 1 kg वाला जो बॉक्स है 275 का है, हम डिस्काउंट करके 250 का देते हैं कस्टमर्स के लिए। 250 का पड़ता है। और ये आता है छोटे पपीज का सरलेक, ये मतलब मैं आपको दिखा रहा हूँ, हट जाते हैं तो हम लोग वार्म वाटर में इसको स्टेयर करके दिन में 3-4 times सजेस्ट करते हैं। तो मतलब ये आप उसको बच्चों को दे सकते हैं, इसमें कभी लूज मोशंस नहीं होंगे, कभी बीमार नहीं होगा। और रेट क्या? हाँ, रेट है सर इसका 280 का है, मैं 260 का देता हूँ। और हाँ, ये पपीज़ के लिए बहुत सूटेबल फूड है और कंपनी इज़ वेरी गुड। और मैं आपको फूड दिखाता हूँ छोटे पपीज़ का, जैसे एक कनाइम क्रीक है, ये मैं आपको बताता हूँ, ये छोटे पपीज़ के लिए स्टार्टर है, ये कनाइम क्रीक कंपनी है। इसमें स्टार्टर आता है, पपी आता है, एडल्ट आता है, तीन वेरियंट्स आते हैं। वो डिपेंड करता है कौन कौन सी एजेस में हम दे सकते हैं। स्टार्टर में मतलब ये है कि 3 months तक के पपी के लिए स्टार्टर चलता है, देन 3 months टू 15 months पपी चलता है, एंड देन फ्रॉम 15 months टू लाइफ लॉन्ग आप एडल्ट दे सकते हैं। उसके बीच में ऐसा कंपल्शन ही, आप घर का खाना भी दे सकते हैं डॉग के लिए। और कैट्स का जो कैट और उनके लिए वो थोड़ा डिफरेंट फूड होता है। अभी मैं सिर्फ डॉग पर ही एम्फसाइज करके आपको बता रहा हूँ। और आप आगे आते जाइए, और भी ब्रांड्स हैं मेरे पास, जैसे एक तो कनाइन क्रीक आपको बताया, एक हमारे पास फोकस है, ये ड्रूल्स कंपनी का फोकस है, कई लोग ये बहुत पसंद करते हैं। डिपेंड करता है कि डॉग को क्या चीज़ पसंद है, टेस्ट क्या चीज़ उसको लगता है। हम ये नहीं सजेस्ट करेंगे कि आप हर बार कनाइन क्रीक ही दीजिए, आप कभी फोकस दे दीजिए, कभी पेडिग्री दे दीजिए। हम आपको भी धीरे धीरे सारे वेबसाइट जो मैं अपनी दुकान पर रख रहा हूँ वो मैं सब आपको बताऊँगा। इवन ये फूड मेरे पास है ड्रूल्स, हाँ ये 3rd फूड आई एम शोइंग यू। वन आई हैव शोन कनाइन क्रीक, सेकेंड फोकस, एंड दिस इज द टूल्स विच आई एम कीपिंग। ये पपी और एडल्ट दो वेरिएंट में आता है, तो पपी इसके लिए दे सकते हैं और एडल्ट को भी दे सकते हैं, डिपेंड करता है एज कैटेगरी कैसे आप। ठीक है, रेट्स में कितना रेट्स में? एक्चुअली कनाइन क्रीक और फोकस थोड़ा कॉस्टली है, ये जो फूड है इट इज़ स्लाइटली चीपर, विच एवरीबडी कैन अफोर्ड। 1.2 kg इज ऑफ 230 rupees एंड 3 kg इज 640, बट वी गिव 10% डिस्काउंट एवरी फूड प्रोडक्ट।
वो हमारे कस्टमर के लिए एक प्रिविलेज है कि हम 10% सब पे देते हैं, ठीक है। ये तीन फूड तो मैंने आपको बता दिए हैं, और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। इसमें कैल्शियम आता है, विटामिन आता है, ये बेसिकली डॉग के लिए होता है, कैल्शियम एंड विटामिन ये होता है, ये आपका विटामिन का। और एक इसमें आता है स्किन एंड कोट, ये जो होता है ये बेसिकली जो डॉग जिनके हेयर फॉलिंग होते हैं तो उनको हम देते हैं स्किन कोट। इसमें कई सिरप्स भी आते हैं, वो मैं भी आपको धीरे धीरे बताता जाऊँगा, लेकिन ये स्किन एंड कोट, ये दिस कम्स इन टैबलेट्स, ठीक है। तो ये स्किन एंड कोट टैबलेट हो गई, ये कैल्शियम हो गया, दिस इज विटामिन, दिस इज 249, वी गिव 10% लेस। और द बिगर वन अभी विटामिन का बता देता हूँ, ये भी तो ऑफ द सेम प्राइस है, 10% लेस करके 225 से पड़ेगी। तो ये आप बड़े डॉग्स को दे सकते हैं, छोटे पपीज़ में आई विल नॉट सजेस्ट, उनके लिए सिरप आते हैं। वैसे तो बहुत सारे आइटम हैं, मैं कुछ चीज़ें आपको बता देता हूँ। वी हैव अ वाइड रेंज ऑफ शैम्पू एंड पाउडर्स, दिस इज स्टिक फ्री पाउडर, जनरली जो समर्स में टिक्स लग जाते हैं डॉग्स को तो उसमें चलता है, एंटी टिक्स जनरली समर्स में ही ज़्यादातर डॉग्स को लगते हैं, तो समर्स। और शैम्पू है, इसमें कई वेरियंट हैं, जैसे टिक फ्री शैम्पू, दिस इज़ फॉर टिक्स। और आगे आएँगे तो दिस इज किसी भी एज के, हाँ, फॉर ऑल डॉग्स। एक्चुअली छोटे डॉग्स को हम बाथिंग नहीं सजेस्ट करते, 3 मंथ्स के बाद ही बाथिंग सजेस्ट करते हैं। और इनका रेट क्या होगा? रेट इनका जो है टिक फ्री वाला जो है 225 है, लेस करके 200 का हम देते हैं। और ये एक इनका है केयर बेस शैम्पू, जो डॉग्स को फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। और ये ड्राई बाथ है, ये बेसिकली मेरा नया प्रोडक्ट जो विंटर्स में चलता है, दिस इज़ अ ड्राई बाथ विच वी जनरली गिव टू स्मॉलर डॉग्स, जो यहाँ छोटे पपीज लेके आते हैं उनको हम नहाने के लिए सजेस्ट नहीं करते, हम कहते हैं कि आप केयरबेल का ये ड्राई बाथ यूज़ करिए। इसमें आईज और माउथ को छोड़ के यू कैन स्प्रे इन एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी एंड रब विद योर टॉवल, टिश्यू पेपर और दिस वेट वाइप्स, तो वो आप कर सकते हैं एज अ स्प्रे यूज। हाँ, एज अ स्प्रे यूज। इसमें यू डोंट नीड वाटर, फॉर विंटर्स इट इज़ मोर सुटेबल, आई विल नॉट सजेस्ट इन समर्स, बट फॉर विंटर्स पीपल आर बाइंग। इसका प्राइस कितना है? इसका प्राइस है 350 है, वी गिव इन 300 रुपीज। और कितना ml होगा ये? ml है 200 ml। इससे सस्ते भी आते हैं, लेकिन ये होता है कि हम सोचते हैं अच्छी कंपनी का रखें जिससे डॉग को कोई इन्फेक्शन ना हो। किस कंपनी का ये है? कैरेबल कंपनी का। ये एंटी हेयर थेरेपी है, हेयर फॉल थेरेपी। हम अपनी ग्रूमिंग पार्लर में, अभी हम आपको बताएंगे ग्रूमिंग पार्लर में, तो खुद हम आपको बाद में डिटेलिंग करेंगे कि इसको हम लोग कैसे यूज़ करते हैं और कैसे करते हैं। ये दिस इज एंटी हेयर फॉल थेरेपी। आई एम शोइंग यू वन मोर प्रोडक्ट, इट इज़ वेरी गुड स्टार कोट प्रोडक्ट। ये बेसिकली उन डॉग्स के लिए जिनके हेयर फॉलिंग होते हैं, अभी जैसे मैंने आपको स्किन एंड कोट दिखाई थी टैबलेट, ये स्मॉलर डॉग्स भी ले सकते हैं, सिरप फॉर्म में आता है, तो ये मतलब ले सकते हैं आप। इसका प्राइस है 320 है, वी गिवन 290 रुपीज। तो अब मेरे पास कुछ डॉग एंड कैट्स की टी शर्ट्स का भी कलेक्शन है, तो विच आई वॉन्ट टू शो टू यू। ये जो एक है वुफ वुफ कंपनी की है, दिस इज़ फॉर स्मॉलर डॉग्स एंड कैट्स ऑल्सो। जो कैट्स होती हैं तो कैट्स, बड़ी कैट्स तो मतलब छोटे कपड़े भी पहन लेती क्योंकि बॉडी वो स्क्वीज करती है, तो उनको ये आप पहना सकते हैं। तो ये दिस इज फॉर कैट्स एंड डॉग्स ऑल्सो। या मैनी कलर्स विच आई वॉन्ट टू शो टू यू, दिखाना मेरे को। जैसे एक क्लॉथ ये भी है टी शर्ट, इन विच आई एम डॉग की एक फोटो बनी हुई है, और बड़े अट्रैक्टिव कलर्स की टी शर्ट है। ये आप विंटर्स में ये पहना सकते हैं, इवन समर्स में, बहुत एक्यूट गर्मी में नहीं, लेकिन थोड़ी गर्मी हो, थोड़ी ठंड हो, तो उसमें आप पहना सकते हैं। ये प्राइस है 250 है इसका, 250। हाँ, कुछ कंपनीज का अलग अलग होता है, जैसे वुफ वुफ है, ये थोड़ी अच्छी ब्रांडेड कंपनी है, इसका 350 है। तो कुछ ज़रूरी नहीं है साइज, कुछ कंपनीज का भी फ़र्क पड़ता है। छोटी कैट्स पहन लेती हैं, इवन रैबिट, इससे भी छोटी एक आता है वो रैबिट्स, कैट्स, स्मॉलर डॉग्स विच आर सो स्मॉल, वो पहन सकते हैं स्वेटर। ये विंटर्स में ही हम लोग जनरली प्रमोट करते हैं। ये कौन सी कंपनी का? ये रेस कंपनी का। थोड़े स्वेटर्स कॉस्टली होते हैं, ये 620 रेंज है, हम 550 का देते हैं। छोटा सा छोटा कैट भी पहन लेंगे, ये आपको बहुत कम ही दुकानों पर मिलेगा, जो मैं स्पेशली मंगाता हूँ। ये सेगमेंट हो गया। फिर हम ये वाले बैंड्स, इम्पोर्टेड बैंड्स मंगाते हैं, ये कई लोग जिनके बर्थडेज होते हैं डॉग कैट्स के, इसमें हम बना के देते हैं। ये फूड वर्ल्ड का बेस्ट फूड है, ये मैक्सी स्टार्टर जो होता है, ये फॉर स्मॉलर डॉग्स, जैसे जनरली जर्मन शेफर्ड
और लैब्राडोर, गोल्डन रिट्रीवर, रॉटवाइलर, उन सब के लिए होता है फूड। तो ये मैक्सी स्टार्टर जो होता है वो स्मॉलर डॉग विच आर 3 मंथ्स, अप टू 3 मंथ्स में स्टार्टर चलता है। उसके बाद हाँ हाँ, ये जो है 3-4 kg का है, 2900 का है, 10% लेस करके हम कस्टमर को देते हैं। हाँ, ये जो है मैक्सी स्टार्टर फॉर बिग डॉग्स और छोटे। इसमें 1 किलो का वेरियंट भी आता है कि दोज हु डोंट वांट टू बाय, कि एकदम से महंगा महंगा ना ले, तो हम उनका 1 किलो के पैकिंग भी आती है वो 870 की, लेस करके 800 का हम देते हैं। वेजिटेरियन सिर्फ पेडिग्री कंपनी में आता है, वो मैं भी आपको दिखा देता हूँ। ये पेडिग्री में हमारे पास 3 वेरिएंट आते हैं। ये पिंक वाला है, ये पपी सेगमेंट है, पपी आता है 1 किलो वाला 270 का है, और 3 kg वाला 650 का, हम 10% डिस्काउंट। ये वेजिटेरियन फूड है, प्योर वेजिटेरियन। दोज पीपल हु डोंट वॉन्ट टू यूज़, हाँ दोज पीपल डोंट वॉन्ट टू यूज़ नॉन वेज फूड एट द होम, तो दे कैन गो फॉर दिस वेजिटेरियन फूड। इट कम्स इन 1.2 kg एंड 3 kg। ये एक कंपनी ऐसी है जो अभी प्योर वेजिटेरियन फूड बना रहा है। हेलो करो, हेलो हेलो हेलो, हमारे फ्रेंच मैस्टिफ डॉग है ये, वन ऑफ द बेस्ट वर्ल्ड के बहुत अच्छे डॉग्स में आता है, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। तो ये हमारे अभी कितना बड़ा हुआ है? ये आई थिंक 1.5 months का है। इसकी आप देखिए, वेरी नाइस, क्या उसकी फिजिक, क्या वेट है उसका, ये बहुत अच्छा है। आओ भैया, आ जाओ आ जाओ, वी आर हैविंग अ गुड रेंज ऑफ दिस डॉग शूज एंड कैट शूज। जनरली डॉग के लिए ज़्यादा चलता है, कैट्स में कम चलता है, क्योंकि कैट्स की बॉडी थोड़ी सॉफ्ट होती है, वो अडेप्ट नहीं कर पाती शूज़ को। तो हम गलत नहीं बोलेंगे कि हम कैट कस्टमर को गलत बता के बेच दें, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये डॉग के लिए होते हैं, इसमें कई साइजेज आते हैं, 4 नंबर 5 नंबर, और इसमें कलर्स भी हमारे पास हैं, एक रेड कलर है और दिस ब्लू कलर। इसमें कई साइजे 8 साइजेस तक आते हैं, 4 to 8 साइजेस तक आते हैं, जो ज़्यादातर लोग तो विंटर्स में पहनाते हैं, समर में कई लोग तो नहीं पहनाते हैं, कई जो बहुत डॉग लवर्स हैं वो ले भी लेते हैं। तो ये होता है हमारे पास, मिल जाएगा। देन एक और सेगमेंट है हमारे पास, दिस बोज, ये जनरली जिन डॉग्स के कैट्स के बर्थडेज होते हैं तो हमारे यहाँ से बो मिल जाती है, और ये शूज़ मिल जाएंगे, फिर इनके ये कुछ पार्टी ड्रेसेस हैं, कुछ लोग तो बर्थडेज में ले लेते हैं, कुछ जिनके घर में अपना फेस्टिवल है जैसे दिवाली है, ईद है, और जिसमें वो चाहते हैं कि उनके जो डॉग्स कैट्स हैं उनके घर के पार्ट लवर्स हैं तो वो उनके लिए फिर वो स्पेंड भी करते हैं। ये पार्टी वेयर ड्रेसेस का हो गया, ये हो गया। कुछ हमारे पास ये स्ट्रैप्स हैं, दे आर द प्रीमियम, ये दिस कॉलर्स विच हम बर्थडेज में सजेस्ट करेंगे, पार्टी वेयर में सजेस्ट कर देंगे, ये हैं। फिर उसके पास हमारे पास हुडीज़ हैं, ये बेसिकली आपको विंटर्स में ही मिलेंगी, जैसे विंटर में आपको दिखाता हूँ, इसमें कैप है, और ये इसका, ये अभी इस मौसम में बहुत लोग ले रहे हैं। बंदाना जैसे आपने गर्दन में बर्थडे में अपना पहना दिया, ये अगर आप जैसे ड्रेस में नहीं खर्च करना चाहते हैं, चलो एक बंदाना पहना देते हैं, ये हल्का लगेगा कि थोड़ा एक स्पेशल ओकेजन में समथिंग कुछ एक्स्ट्रा दिखाई दे। इस टाइप की जैकेट आती है, ये जो है ये थोड़ी वार्म होती है और अच्छी क्वालिटी की है, इसमें से ये इस टाइप की होती है। मेरा ये ब्रशेस का सेगमेंट है, इसमें डॉग कैट, कुछ ब्रशेस जनरली डॉग के लिए हैं, कुछ ब्रशेस कैट्स के लिए हैं। नेल कटर्स मिल जाएंगे, ये नेल कटर्स हो गए। फिर एक छोटा सा मेरा बर्ड सेक्शन है, इसमें सारी ये बर्ड्स की मेडिसिंस हैं। ये इट इज़ अ वेरी स्मॉलर सेक्शन विच आई हैव केप्ट इन माय शॉप। बर्ड्स के हमारे पास कुछ मेडिसिंस हैं, बर्ड्स में एक्जॉटिक 2-3 बर्ड्स ही रखता हूँ, जैसे काका टेल है, कुछ मुझे भी शौक है अपने लिए रखता हूँ, और कुछ कस्टमर्स मुझसे रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं हमें चाहिए, तो हम उनको दे देते हैं, रीजनेबल रेट पे दिलवा देते हैं। तो ये काका टेल है, ये बजरी है, अभी मेरे यहाँ कुछ आई थी, कुछ बिक गई हैं, और ये लव बर्ड है नीचे, तो हम ज़्यादा नहीं रखते हैं, लेकिन एक कुछ ही सेलेक्टिव बर्ड्स ही मैं रखता हूँ, ओनली एग्जॉटिक बर्ड्स, ठीक है। तो ये मैं रखता हूँ, लेकिन इट इज़ ए स्मॉलर सेक्शन, और कुछ इनके टॉयज़ भी रखता हूँ बर्ड्स के, जैसे ये टॉयज़ हैं, इनके हैंगिंग टॉयज़ हैं, ये इस टाइप के हैंगिंग टॉयज़ हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे।
ये बर्ड्स के ही टॉयज हैं। इनका फूड मिल जाएगा, जैसे इनका ये फूड आता है, ये काकून आता है, ये आपको मिल जाएगा मेरे। ये कैट सेक्शन का पूरा हमारे पास बहुत अच्छा फोकस है। हम रखते हैं कैट में रॉयल कैनिन फूड रखते हैं फॉर स्मॉलर कैट्स, बिगर कैट्स। कुछ का यूरिनरी प्रॉब्लम आती है तो उनको यूरिनरी वाला फूड देते हैं। उसके बाद ये कैट्स का यूरिनरी के जैसे रॉयल कैनिन, हाँ रॉयल कैनिन जैसे डॉग का आता है उसमें ये कैट का सेगमेंट भी बनाते हैं। तो ये बहुत अच्छा फूड रहे हैं इनका। हाँ हाँ, जो ज़्यादातर जो बिकता है हमारे पास पर्शियन किटन बिकता है। ये बहुत ही बेस्ट फूड फॉर कैट है। इट इज़ स्लाइटली कॉस्टली है पर क्वालिटी के हिसाब से रेट सही है, रीजनेबल है। ये 1870 का है, हम 10% लेस करके देते हैं। ये पर्शियन किटन्स के लिए है। जो किटन्स विच आर एट द एज ऑफ फ्रॉम न्यू बॉर्न टू वन ईयर ऑफ एज, दे कैन यूज दिस पर्शियन किटन फूड। उसके बाद इनका एडल्ट भी आता है। इसका वेट कितना है? ये 2 kg वेट है। हाँ, इसमें छोटा भी साइज आता है 400 ग्राम। ये 400 ग्राम्स भी आता है। ये हम 470 है, 10% लेस करके हम कस्टमर को देते हैं। और इनका कैट का स्कूपर है, जिससे हम जब कैट्स में बेसिकली जब हम वो क्योंकि जो टॉयलेट सेक्शन होता है वो सैंड पे ही करते हैं। ये इनका सैंड है, ये इनकी सैंड है। ये जनरली पर्सन की क्वालिटी होती है, पता नहीं ज़्यादा तो लोग जानते होंगे, जो नहीं जानते उनके लिए बता रहा हूँ कि जो कैट है वो अपनी सैंड पे ही टॉयलेट करती है, घर पे कहीं गंदगी नहीं मचाती है। ये सैंड हम उस कैट लिटर बॉक्स में, ये ट्रे है हमारी, कैट लिटर ट्रे है, और उसमें हम सैंड डाल देते हैं। फिर एक दो बार उनको अगर आप ट्रेन कर देंगे फिर वो सैंड में ही पॉटी करती है। तो ये सैंड होती है, ये 5 kg की सैंड है। ये कहीं हम इसको 350 की देते हैं। तो ये मतलब केवल पर्शियन कैट्स की है? पर्शियन कैट्स ही करती है, वाइल्ड कैट्स तो करती ही नहीं है। पर्शियन कैट्स वर्ल्ड की बेस्ट कैट्स होती हैं। तो इतनी डिसिप्लिन होता है, इतनी सॉफ्ट होती हैं, इतनी केयरिंग होती हैं, उनका तो कोई जवाब ही नहीं है। टॉयलेट करती है, हाँ। इसमें सैंड डाली इस टाइप का, जैसे यू वांट टू ट्रैवल अब्रॉड और कहीं भी जाना हो तो इसमें कैट को एयर के लिए पूरे सेटिस्फेक्शन। स्क्रैच बोर्ड है। जनरली कैट हैज़ अ टेंडेंसी कि इन द मॉर्निंग व्हेन दे वेकअप तो वो स्क्रैच करती हैं घर के सोफे, वो तो उसके लिए जनरली कैट की स्क्रैच बोर्ड। कई वेरियंट साइजेज होते हैं, अभी मेरे पास ये लगा हुआ। तो कैट का ये हो गया। फिर कैट का फूड आता है, जैसे मैंने रॉयल कैनन आपको बताया है। अब एक आता है मियाओ फूड, ये थोड़ा इकोनॉमिकल फूड है, ये हर कस्टमर अफोर्ड कर सकता है। और ये 1 kg में भी आता है, 2.5, 400 ग्राम में भी आता है, 7 kg में आता है। तो ये बहुत अच्छा फूड है। कैट्स और कैट्स में भी वेज और नॉन वेज का? नहीं नहीं, कैट जनरली फिश के फूड ज़्यादा पसंद करते हैं, फिश फूड। इसमें यार फ्लेवर आता है ट्यूना, मैकरल, सी फूड, उसके बाद गोरमेट, कई आते फ्लेवर जो मियाओ कंपनी में बनाती है और एक पेडिग्री कंपनी बनाती है विस्कस, ये वाले। ये दो जो हैं, रॉयल कैनन थोड़ा स्लाइटली कॉस्टलियर है, विस्कस और मियाओ जो फूड है ये थोड़ा इकोनॉमिकल फूड है, ये हर आदमी अफोर्ड। बड़े डॉग्स में थोड़े हार्ड टॉयज़ होते हैं और छोटे डॉग्स में थोड़े सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं, जैसे सच एज दिस एंग्री बर्ड, दिस इज़ फॉर स्मॉलर डॉग्स विच दे कैन इन्जॉय बाय द साउंड। ये हो जाता है, इस टाइप के टॉयज़ हैं, ये थोड़ा छोटे डॉग को अट्रैक्ट करते हैं। देन वी हैविंग दिस प्लश टॉयज़, ये थोड़े स्लाइटली कॉस्टलियर होते हैं पर वेरी। ये इस टाइप की बोन्स भी हैं हमारे पास, ये थोड़े बड़े डॉग रेलिश करते हैं खाने में, इसमें छोटी बोन्स भी मिल जाएंगी। ये मोटी बोन्स हैं तो ये वो बड़े इन्जॉय करते हैं, खाते हैं, और कस्टमर भी सोचता है चलो किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, खा भी रहा है, डाइट भी अच्छी जा रही है और घर को किसी को तंग भी नहीं कर रहा है। तो ये सेगमेंट मेरा हो गया आपका, ये दिस स्ट्रीट सेक्शन, देन दिस इज़ माय दिस कॉलर्स एंड दिस स्ट्रैप सेक्शन। ये कॉलर्स मेरे यहाँ लगे हुए हैं, देन चेन्स आर देयर। इट डिपेंड्स कि कौन सा ब्रीड, हम कोई भी कस्टमर आता है पहले ब्रीड पूछते हैं, अगर वो कहता है छोटा है ब्रीड है तो हम छोटी चीज़ दिखाते हैं, बड़ा ब्रीड है तो बड़ी दिखाते हैं। तो उसमें हार्निशेस भी आती हैं, चेस्ट वाली कॉलर्स आते हैं, देन पपी के आते हैं, बोज आती हैं याली इस टाइप की, ये कैट के लिए कॉलर्स आते हैं जो ऐसे ही पहन के दौड़ती हैं, ये बोज आती हैं। उसके बाद बेल्स, तो ये जब वो कॉलर, कई कस्टमर कॉलर ले लेते हैं उसमें बेल अलग से लगा देते हैं, इसमें कई साइजेस आते हैं और ये आते हैं कॉलर। बाकी ये फेदर वाले बड़े प्यारे, ये मेरे पास इसी बार आए हैं ये फेदर वाले कॉलर्स, ये बड़े स्टाइलिश, और ये भी बर्थडेज में लोग ले जाते हैं। ट्रीट्स और कॉलर्स के बाद मेरे यहाँ जो फैसिलिटी है
मेरे यहाँ ग्रूमिंग पार्लर भी है, वेटनेरियन सेक्शन भी है, डॉग मेरे जो डॉक्टर जो है जनरली ही कम्स इन इवनिंग 6:30 to 9 o'clock हमारा ग्रूमिंग पार्लर है। तो यहाँ पर अभी तो हमारे यहाँ जो अभी बुकिंग जैसे होती हैं तभी हम रखते हैं। ये पूरा इनका टब है और मेरे यहाँ पूरा गीजर लगा हुआ है, सारे शैम्पूज आपको मिल जाएंगे और हर तरीके कैटेगरी और डॉग का काम हो जाता है। हेलो हेलो, बोलो बोलो बोलो, हेलो चलिए। बाकी मैंने स्टोर्स के प्रोडक्ट्स के बारे में तो मैंने जो मेरे को नॉलेज थी वो तो मैंने आपको बता दी। स्मॉल ब्रीड में हमारे पास जैसे हम जानने वालों से दिलवा देते हैं, बीगल है, पग है, लासा एप्सो है, सिडजू है, एंड देर कॉकर स्पैनल है, तो ये पॉमेरियन है, इंडियन स्पिट्स हैं, ये सब दिलवा देते हैं, अडॉप्ट करा देते हैं, अपने नियर एंड डियर से करवा देते हैं। हम लोग पास अपना नहीं ब्रीडर टाई अप रहता है, हम अरेंज करा देते हैं। आजकल सर सबसे ज़्यादा डिमांड जो आ रही है रॉटवेलर और बड़े, हाँ हाँ बड़े डॉग्स में रॉटवाइलर है, पिटबुल है, देन लैब्राडोर है, जर्मन लैब्राडोर जर्मन शेफर्ड की ये क्वालिटी होती है, थोड़े फैमिली ओरिएंटेड डॉग्स होते हैं ये, बेसिकली लोग अपने फ्लैट्स घर और सब जगह रख सकते हैं, लेकिन पिटबुल और रॉटवाइलर बेसिकली लोग फार्म हाउसेस के लिए रखते हैं। बोथ द ब्रीड्स आर वेरी फ्यूरोशियस ब्रीड्स, तो अगर जब तक अगर आप इनको प्रॉपर हैंडलिंग नहीं कर पाएंगे या ट्रेनिंग नहीं देंगे तो ये तो किसी के नहीं है, मेरे ख्याल से ओनर को भी ना छोड़ें अगर ट्रेनिंग ना दी जाए। लेकिन डॉग्स बहुत अच्छे होते हैं फार्म हाउसेज में, लोग अपने लोगों की वहाँ केयरिंग के लिए, और कोई मतलब फार्म हाउस में घुस नहीं सकता, या बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में इनको एज अ गार्ड रखते हैं दोनों डॉग्स को। और चार ब्रीड्स तो ये हो गए, बाकी शेन बर्नार्ड आता है, वो थोड़ा गर्मी उसको बहुत लगती है, बहुत बड़ी ब्रीड है तो बाल बहुत होते हैं जो बालों को केयर कर सकते हैं। फिर गोल्डन रिट्रीवर है जिसके बाल होते हैं, थोड़ा केयर करना पड़ता है। तो यही है, आजकल लोगों की लाइफ तो बहुत बिजी है लेकिन फिर भी जो टाइम निकाल सकते हैं वही बाल वाले डॉग्स को रखें कि भाई वो केयर कर सकें, नहीं तो वो फंगल हो जाएगी, प्रॉपर ग्रूमिंग नहीं होगी तो फिर वो मैगॉट्स हो जाते हैं, देन फिर वो टिक्स लग जाते हैं अगर आप क्लीनिंग नहीं कराएंगे। हमारे ग्रूमिंग पार्लर में आप करवाइए, समय समय पर करवाते रहिए। और फिर उसके बाद हस्कीज आते हैं, फिर वो डॉग्स थोड़े कॉस्टली वाला को तो कोई एंड नहीं है। टिबेटन मैस्टिफ आता है, नेपोलियन मैस्टिफ आता है, वो थोड़ी ब्रीड महंगी होती हैं, कम ही लोग अफोर्ड कर पाते हैं, तो ये डॉग्स का सेगमेंट है। कैट्स में हम पर्सी, अरे बहुत प्यारा डॉग होता है, मेरे यहाँ ग्रूमिंग में 3 आए हैं अब तक के, तो अरे ऐसा खूबसूरत डॉग आपने देखा नहीं होगा। 40-45 thousand की रेंज में होता है चाओ चाओ, ब्राउन कलर आता है, वाइट कलर आता है। अगर ये वीडियो कोई देख के आता है तो आप लोग अवेलेबल करा दोगे? हाँ, रेंज ढूंढेंगे उनके लिए, फिर कोई हम वी विल टेक वन डे टाइम और फिर अपने ब्रीडर से पूछेंगे कि भाई चाओ चाओ अवेलेबल है, क्योंकि लखनऊ में बहुत कम ही ब्रीड कराते हैं चाओ चाओ की, 3-4 ही डॉग्स हैं लखनऊ में, और उसकी बूबी कटिंग कराते हैं लोग चाओ चाओ की। बूबी कटिंग के बाद वो ऐसा लगता है जैसे एक टेडी बियर बैठा हुआ है सामने, बस उसके अंदर लाइफ जान डाल दीजिए तो वो टेडी बियर ही लगता है। और टेम्परेचर के लिए सिर्फ हस्कीज़ के लिए रहता है और शेन बर्नार्ड के लिए, उनको ACs चाहिए और हर समय AC चलाना पड़ेगा। इस विंटर में उनको कहीं पर भी आप बिठा दिए, बाहर ठंड में बिठा दिए, उनको गर्मी नहीं लगेगी। तो ये डॉग्स का तो यही सेगमेंट है जो मुझे नॉलेज है और ज़्यादातर यही बिकते हैं। तो और बाकी कैट्स में भी हम डील करते हैं, पर्सियंस हमने पहले भी जैसे कि बताया है वर्ल्ड की बेस्ट कैट्स होती हैं, उसमें हम ब्लू आइज़ आती हैं और ग्रे आइज़ आती हैं, उसके बाद दो कलर वाली आइज़ का भी आता है, ब्लैक एंड रेड आती हैं, ब्लैक एंड ग्रे आती हैं, अलग अलग दो वो वाली कैट्स भी आती हैं। और पर्सियन में पंच फेस आती है, डॉल फेस आती है, सेमी पंच आती है, हिमालयन कैट आती है, कैलिको कैट आती है, तो ये सब हमने बेची हैं, मतलब अडॉप्ट कराई हैं लोगों को, अपने जाने वाले लोगों से हमने दिलवाई हैं लोगों को जो, लेकिन मेन जो डॉग लवर और कैट लवर होता है उन्हीं को दिलाते हैं जैसे वो जो उनकी केयर कर सके। हम ऐसे किसी फैमिलीज़ को अडॉप्ट ही नहीं कराएंगे जिनके पास टाइम नहीं है, क्योंकि हम अपने बच्चों की तरह ट्रीट करते हैं और चाहेंगे सामने वाला भी अपने बच्चों की तरह ट्रीट करे। गुरु चैनल जो इनका है बहुत वाइडली मैंने नाम सुना हुआ है,
एंड इट इज़ अ प्लेजर कि ये मेरी दुकान आए हैं। मैं इनको थैंक्स कहूँगा। चैनल को देख के अगर कोई आ रहा है यहाँ पे तो आप कितना परसेंट डिस्काउंट? सर मैं बिल्कुल करूँगा, और आप लोग का चैनल है 10% करूँगा। अगर वो हमारे यहाँ 5000 के ऊपर शॉपिंग करेंगे तो मैं आई विल गिव 15% करता हूँ। कि पेट्स लवर को ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी, प्लीज़ इनके शॉप पे आइए। और यहाँ पे अगर आपको पेट्स ख़रीदने हैं तो बहुत ही रीजनेबल रेट में हैं और सारी वराइटियाज़ अवेलेबल हैं। तो वीडियो कैसी लगी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।